हैं कि नज़दीकियाँ नज़र आ रही है, तो ये क्या दिखावा है या फिर सच में ये दीप्ति और नहीं यार, अविनाश? नज़दीकियाँ तो नहीं आ रही हैं, ये इट्स दिखावा ही है दादी को दिखाने के लिए कि सब कुछ ठीक है हमारे घर पे। तो जो ये बस दिखावा है, बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी, दीप्ति के लिए मुझसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझसे जो मैंने किया है, जो आप टीवी पे देखेंगे। तो हाँ, इट्स टफ, इट्स टफ, दिखावा है पिछले पूरा। सीन की बात करें, पूजा में एक दोनों एक साथ नजर आ रहे थे, तो ऑडियंस को लगेगा कि चलो दोनों करीब आ रहे हैं, तो ये क्या एक, ये भी एक छलावा ही है छलावा मतलब? ही है वो, बस हमारे लिए ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये उनको पता है कि ये छलावा है, क्योंकि ऑडियंस के सामने सब क्लियर रहेगा कि गलत है ये सब, बस दादी को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। शो में एक नई एंट्री भी हुई है, तो क्या लगता है इसे बहुत ज्यादा मतलब धमाल हालांकि हो कुंजवाला जो सकता हमारी है? दादी, उनकी एंट्री पहले हमारी शादी के टाइम पे हुई थी और बहुत ही मेजर सक्सेस था उनकी एंट्री हमारे लिए, टीआरपी भी हमारी काफ़ी बड़ी थी, और ये वापस लाया गया है बहुत सही वक्त पे वापस लाया गया, क्योंकि पुष्पा अभी शायद थोड़ी कुछ टाइम के लिए बाहर जाएंगी, कुछ और उनका चलेगा, पैरेलल ट्रैक चलेगा उनका, तो काफ़ी चीज़ें बैलेंस करने के लिए एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की एंट्री होती है। तो हाल ही में 1 साल पूरा हुआ है, जी तो मैं क्या जर्नी रही है, कितना खुश हैं आप मतलब तो ये बहुत देख के? खुश हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ इस शो का पार्ट हूँ, क्योंकि ये हिस्टोरिकल शो बनेगा आने वाले टाइम में, दूसरा साल है हमारा। मैं विश करता हूँ ये शो और आगे जाए, ये हिस्टोरिकल शो, इसका हर कैरेक्टर जो वन डे टू डे आर्टिस्ट भी है उसको भी बाहर लोग पहचानते हैं कि पुष्पा इम्पॉसिबल में आता है, बहुत ही रियलिस्टिक शो है। हमारे डायरेक्टर, हमारी सारी टीम्स, मोस्टली मैं श्रेय हमारे डायरेक्टर को दूंगा, हमारे राइटर्स को दूंगा कि ऐसा शो लिखना बनाना, हमसे ऐसा काम करवाना तो ये टीवी में पॉसिबल नहीं है, इतने कम टाइम में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों डिलीवर करना। तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट का एक अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हूँ, तो मैं कुछ बेटर नहीं मांग सकता था, मतलब रियली ग्रेटफुल। अपने ऑडियंस को थैंक यू कैसे बोलेंगे, बस लास्ट ऐसे ही क्वेश्चन? प्यार, हम देखते रहिए 9:30 बजे हमको मंडे टू सैटरडे, देखते रहिए प्यार डालते रहिए हमें, नफरत कीजिए प्यार, जितने इमोशंस है आपके साथ हम पे निकालिए, हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।